हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में। और मैं आपको अब आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको ये जानना है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, और वो प्रॉपर्टी है श्रृंखलन का होना। श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सीखने का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण। कैसे बनाते हैं, लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको हमको जानना है। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम करें 2 और 4, मीन्स इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके अपनी स्थायी अष्टक व्यवस्था प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप 4 सहसंयोजक बंध बनते हैं। 4 सहसंयोजक बंध बनते हैं, अर्थात कार्बन चतुर्संयोजी है, टेट्रावेलेंट है, इसकी संयोजकता 4 होती है। अब ये कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से भी पूरा कर सकता है, अन्य परमाणुओं से भी पूरा कर सकता है, लेकिन कार्बन में एक विशेष प्रकार की स्वतः प्रवृत्ति पाई जाती है कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ स्वतः सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है, और जुड़ करके कार्बन की एक लंबी श्रृंखला तैयार करता है। जैसे ये देखिए, 2 कार्बन की श्रृंखला बनी, ये देखिए 3 कार्बन की बन गई, यहां बनाया कुछ और बन गया, यहां से आगे बढ़ाया कुछ और बढ़ गया, ऐसे करके इसका एक लंबी श्रृंखला बना करके और यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। और कार्बन की इसी प्रवृत्ति को श्रृंखलन का गुण कहते हैं, और कार्बन के श्रृंखलन के गुण के ही कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या ज्यादा होती है, और इन्हें एक सेपरेट ब्रांच के रूप में इसीलिए पढ़ा जाने लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना एकदम न भूलें। थैंक यू।